गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात जागरूकता, तत्परता और प्रखरता के बारे में चल रही थी। मैंने कल बताया था कि समाज का एक सहज प्रवाह होता है जिस पर हर व्यक्ति अपनी गति से गति करता है, या कहिए वो प्रवाह उसे उड़ा करके ले करके चला जाता है। अब बात आ रही है, कल ये बताया गया था कि आज का समाज तरह तरह की रूढ़ियों में, पाखंडों में, परंपराओं में जाकर के फंस गया है जो उसके लिए उपयोगी नहीं है। दूसरा, इंद्रिय असंयम इतना बढ़ गया है कि हर आदमी अनाचार, अत्याचार, पापाचार करने में कमी नहीं कर रहा। व्यक्ति की मानसिक गति ही उस प्रवाह को पैदा करती है। जो इंसान को अपने साथ लेकर के चलता है। कल मैंने कहा था जिस तरह से नाले में कचरा पैदा हो जाता है और वो पानी के प्रवाह को चलने नहीं देता, ठीक इसी तरह से जब ये इंद्रिय असंयम आदमी के अंदर पैदा हो जाते हैं तो आदमी की सहज स्वाभाविक जो गति है वो उसको नहीं रहने देते। इसलिए क्या करना पड़ेगा, प्रवाह को उलटना पड़ेगा। अब दूसरी बात कहता हूं, प्रवाह को उलटने के लिए आप लोगों ने गर्मी के दिनों में देखा होगा कि जब गर्मी पड़ती है और हवा रुक जाती है तो हवा के रुकने के कारण हवा गर्म होकर के ऊपर उठती जाती है। जैसे पानी के अंदर भंवर पैदा होते हैं वैसी हवा के अंदर बवंडर पैदा हो जाते हैं। चारों तरफ से हवा महाप्रवाह के रूप में आती है। जब हवा उस तरफ को दौड़ करके आती है तो वो गोलाई में घूमने लग जाती है और उससे बवंडर खड़े होते हैं। जो कबाड़ उस बवंडर के बीच में आ जाता है, उस तिनके को, कबाड़ को हवा अपने में समेट लेती है, अपने में समेट लेती है और उठा करके ऊपर ले जाती है, ऊंचाई पर ले जाती है। वो कबाड़ जब जो जो आकाश को नहीं छू सकता, धरती पर ही पड़ा सड़ता रहता है, वो कबाड़ आकाश को छूने लग जाता है, आकाश को छूने लग जाता है। ऐसे ही एक प्रवाह हमें तप बल का पैदा करना पड़ेगा, तपोबल से पैदा करना पड़ेगा। और तपोबल का सीधा सीधा मतलब है सत्य के लिए
अपने स्वार्थ का त्याग कर देना, बलिदान कर देना, सत्य की आग में परंपराओं, पाखंडों, बुराइयों, व्यसनों, इनको त्याग देना, सत्य के हवन कुंड में इनकी आहुति दे देना, जब ये साधना उभर करके आएगी तो याद रखना एक वातावरण बनेगा। सूरवीर समझे जाने वाले सिद्धांत क्षेत्र में दुर्बल पड़ जाते हैं, दुर्बल, किसके कारण? कोई मुझे क्या कहेगा, कोई मुझे क्या कहेगा, सामाजिकता के कारण। समाज के सामने अच्छे अच्छे सूरवीर कमजोर पड़ते देखे गए हैं। आत्मविश्वासी, आत्मविश्वासी कह रहा हूं, जो आदर्शों के समर्थन में रहते हो और ऐसे समर्थक हो कि जो बुराई से अकेले ही अड़ के खड़े होने के लिए तैयार हो, जिनके संकल्प बल को डिगाने की ताकत किसी में ना हो, सोच करके देखो, ऐसे ही व्यक्ति उन्हें साथी मिले या ना मिले, ना उन्हें किसी निंदा और प्रशंसा की परवाह होती है, उसकी भी कोई परवाह नहीं होती, ना वो किसी बात की चिंता करते हैं। संघर्ष मलयुद्ध को नहीं कहते हैं, संघर्ष मलयुद्ध को नहीं कहते हैं, ना उसमें सदा तीर तलवार चलाने पड़ते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। उपेक्षा, ऐसा योग, विरोध करने से भी संघर्ष का आरंभिक उद्देश्य पूर्ण होता है। अब किसका किया जाए? उन विकारों का, जिनको आत्मा स्वीकार ना करे, उन विकारों का, उस सच्चाई का, उस सत्य का जिसको आत्मा स्वीकार करे, उसका हमें समर्थन करना चाहिए। संघर्ष का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि आदर्शों के लिए हमें किसी से लड़ना नहीं है, स्वयं को आदर्शों पर चलाना है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है, हमें अपने आप को सुधारना है। मन जिन अनीतियों को धारण किए हुए है, आत्मा जिसे माने, जिसका समर्थन करे, उसके साथ हमें सहयोग करना है। उसके साथ हमें सहयोग करना है, बुराई के साथ किसी भी कीमत पर सहयोग नहीं करना है। याद रखना, अगर कहीं पर खड्डा बनता है तो कहीं पर टीला भी बनता है। अगर किसी जगह से मिट्टी उठाई जाए तो वहां खड्डा बन जाता है, और किसी जगह पर ले जाकर के उसका भराव किया जाए तो वहां टीला बन जाता है। आदमी किसी को दुख देता है
तो अपने लिए पाप का पहाड़ पैदा करता है। समाज में आई हुई विकृतियों को अपने पुण्य और तप के आधार पर जो समाज की वातावरण की हानि हुई है, हमें उसकी पूर्ति करनी होगी। उसकी पूर्ति हमको करनी ही होगी। उसकी पूर्ति के निमित्त जो भी कार्य किए जाएं, सचमुच जानना वो आत्मिक स्तर के, आदर्श स्तर के कार्य हों। ऐसे बहुत से व्यक्ति मिलते हैं जो बाहर से सूरवीरों की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हांकते हैं, पर जब सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने की बात आती है तब सही परीक्षा होती है। और उस परीक्षा में बिरले ही टिके रहते हैं। मैंने जैसा अभी कहा कि आपको कोई तीर तलवार बंदूक नहीं चलानी है, परंतु बहादुरी परख ऐसी प्रेरणाओं के स्रोतों को धरती पर पैदा करना है जिनको देख करके दूसरे भी आपसे प्रभावित हुए बगैर ना रहे। शरीर पर उभारने के लिए जिस तरह से संयम की साधना करनी पड़ती है, ऐसे ही मनोबल को दृढ़ बनाने के लिए तथ्य और सत्य की कसौटी पर खरे खोटे का अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है। उन प्रतिपादनों को अस्वीकार करना पड़ता है जो हमें कमजोर करें। ईमान और भगवान का समर्थक लेकर के जो अपनी नाव को खेते हैं, वो वास्तव में नीति के पथ पर अकेले ही चलते हैं। उन्हें कोई भय असमंजस नहीं होता, वो सतत उस मार्ग पर चलते हुए चले जाते हैं। मैंने जैसा अभी कहा कि सूरवीर अपनी लाभ हानि की बात नहीं सोचते हैं, सिद्धांत की बात को सोचते हैं। लाभ हानि तो मन का विषय है और सच्चा लाभ तो आदर्शों पर चलने पर ही है। इसलिए जो सच्चे लाभ को लेना चाहते हैं, व्यवहार में वो उस घाटे को स्वीकार कर लेते हैं जो हमें सत्य के मार्ग से विचलित करे। ये सारा कार्य प्रखरता के बिना किसी भी क्षेत्र में कोई बड़ी प्रगति कर सकना संभव नहीं है। प्रखरता का गुण जैसे ही अपने अंदर प्रकट होगा, वैसे ही वैसे आप में वो तेजस्विता आने लग जाएगी। पराक्रम को ही सराहा जाता है, पराक्रम ही सराहनीय है, और उस पराक्रम को करने वाले साहसी व्यक्ति ही होते हैं। एक चीज और भी है, आज का व्यक्ति तो सोचता है मैं क्यों किसी लफड़े में फंसूं, जिंदगी जिस धर्रे पर चल रही है चुपचाप उस धर्रे पर चलते रहा जाए, उसी को समर्थन देते हैं।
याद रखना, सज्जनता की शोभा साहसिकता है, और जितनी साहसिकता आती चली जाएगी सज्जनता उतनी ही निखरती चली जाएगी। याद रखना इस बात को। अगर आप अपनी सज्जनता को निखारना चाहते हैं तो ऐसे कार्य जो दुर्बल मनोवृत्ति के व्यक्ति नहीं कर सकते, उन्हें सूरवीर ही कर पाते हैं, उनको करिए। कवि ने कहा है, लीक ही लीक गाड़ी चले और चले कपूत, बिना लीक के तीन चले सायर शेर सपूत। बिना लीक का मतलब सच्चाई के मार्ग पर, लीक का मतलब जिस पर से सब चलते हैं, गंगा जहां से बहती है वो धरती को काट करके अपने लिए प्लेन बना लेती है और उस पर सतत बहती रहती है। ये तो प्रवाह की बात है, आपको तो भगीरथ बनना है। भगीरथ बनकर के वो तप करना है कि गायत्री रूपी गंगा को धरती पर उतार करके लेकर के आना है। पूजा पाठ जप इस तक सीमित नहीं रहना है, परंतु अपने आपे से उन आदर्शों को पैदा करना है जिस पर समाज के ढांचे को खड़ा किया जा सके, बिना किसी बंधन के प्रतिकूलताओं से मोर्चा लेकर के। कितना भी घाटा क्यों ना हो, उसमें भी आनंद को सच्चे प्राकर्मी की तरह से महसूस किया जाए। सज्जनता और साहस दोनों का अद्भुत युग्म अभी आपको बताया गया। जितनी सज्जनता में साहसिकता से निखार आएगा, यानी कि जितना साहस सत्य के प्रति बढ़ेगा, उतना ही आपकी सज्जनता के अंदर निखार आता हुआ चला जाएगा। इस पथ पर चलते चलते अपने आप उन्हें साथी मिलते चले जाएंगे। महात्मा गांधी भारत से अफ्रीका गए, कोई जानकार नहीं, पर ऊंचे उद्देश्य को लेकर के गए। जिनको पता लगा वो उनके साथ जुड़ते चले गए, और बारंबार उनको साथियों की कोई कमी नहीं, साथ देने वालों की कोई कमी नहीं रही। अंग्रेजों से जूझते हुए महात्मा नाम के अनुरूप शालीनता को यथावत बनाए रखने के लिए उनमें वो प्रखरता पैदा हो गई। सम्राट वायसराय उनसे आंख नहीं मिलाते थे, इतना तेज उनके अंदर पैदा हो गया था। जितने भी आप हैं जो इस प्रवचन को सुन रहे हैं, उस गुण को अपने अंदर पैदा करना है, उस गुण को अपने अंदर पैदा करना है। आप तो कितने भाग्यशाली हैं, कौनिया क्षेत्र में
200 दीक्षाएं अभी इस बार में हुई हैं और पिछले जो जुड़े हुए परिजन हैं वो अलग हैं। मैं आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, अगर ये 200 व्यक्ति सचमुच साहसिकता को अपने अंदर पैदा कर लें तो दुष्टता में किसी की हिम्मत नहीं है जो आपकी तरफ आंख उठा करके देख जाए। किसी भी दुष्ट व्यक्ति की हिम्मत नहीं है जो आपकी तरफ आंख उठा करके देख जाए। आवश्यकता है उस सज्जनता की जो आदर्शों पर आपको लेकर के चले। देखिए जी, दिखावा तो दिखावा होता है, दिखावा कभी सत्य नहीं होता है। अगर अपना प्रभाव पैदा करना है समाज में, अपना प्रभाव पैदा करना है तो आदर्शों पर आपको चलना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। दोबारे से कहता हूं, कोनिया क्षेत्र में मैं 2-3 बार देख चुका हूं, पापी व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जातिवाद खड़ा कर देते हैं, पाखंडवाद खड़ा कर देते हैं। एक जाति में भी उपजातियों का सहारा लेते हैं अपने आप को सही साबित करने के लिए। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि उस हिम्मत को हमें जगाना होगा, अपने अंदर उस हिम्मत को हमें जगाना होगा। हमें परंपरावादी नहीं बनना है बल्कि सच्चाई के मार्ग पर चलना है। सोचो सोचो, नहीं तो उसी घिसे पटे धूल भरे रास्ते पर हम चलते रहेंगे। मैंने अभी कहा सज्जनता और साहस का एक युग्म है, युग्म। परंतु जान लेना, निर्जन प्रदेश में जब व्यक्ति अकेला होता है तो उसकी कैसी दशा होती है, परंतु वहां पर किसी का साथ मिल जाता है तो स्थिति को बदलने में देर नहीं लगती है। मैंने गांधी जी का उदाहरण अभी दिया, कैसे बढ़ते चले गए। ऐसे जितने भी व्यक्ति हो वो अपने आप को ऊंचा उठाएं, अपने साहस प्रखरता संपादन के बल पर ही रामकृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, पटेल, लाला लाजपत राय, गणेश शंकर विद्यार्थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में तो मैंने पढ़ा भी है, सारे रजवाड़ों को किस तरह से मिला करके एक संगठन में उन्होंने बांध लिया, जो असंभव कार्य था। देश के स्वतंत्र होने के बाद में जितने राज्य के राजाए थे, जिनके अपने राज थे, रजवाड़े थे, उनके आदर्श के बारे में सामने टिक नहीं पाए, उनके साहस के सामने टिक नहीं पाए। अपनी प्रखरता के बल पर भारत भूमि की स्वतंत्रता हेतु
अपना जीवन उत्सर्ग कर सदा के लिए ये अमर हो गए, सदा के लिए अमर हो गए। ऐसे व्यक्ति आत्मबल के सहारे बिना किसी भय के आगे बढ़ते चले जाते हैं। और याद रखना, जिसका साथ लेते हो वही साथ देता है। संसार का साथ लेते हो तो मोहमाया काम करती है, भगवान का साथ लेते हो तो बहादुरी काम करती है। महर्षि दुर्वासा जब राक्षसों का आतंक बढ़ा और देवताओं ने कहा कि कोई ऐसा अस्त्र नहीं है जिससे इनके काटा जा सके, महर्षि दुर्वासा जो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं, वो किसी अनीति को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जानते हैं क्रोध में आकर के आवेश में आने वाला व्यक्ति स्वयं अपने आप को अपंग बना लेता है। अपंग अपने आप को सुधारने के लिए आवेश को छोड़ना पड़ता है, दूसरों को सुधारने की अपेक्षा अपने को नहीं बिगाड़ना है। स्वयं ने सुधरा हुआ हुआ तो दूसरों को क्या सुधारेगा। सुधार प्रक्रिया में रोगी और चिकित्सक का भाव रख करके स्नेह भरी कठोरता को हमको बहादुरी के साथ अपनाना होगा। सारा प्रतिपादन जो आपको समझाया जा रहा है उसका एक ही उद्देश्य है, शालीनता युक्त प्रयास। अगर हमें बुराइयों को पाखंडों को हटाना है तो शालीनता युक्त प्रदर्शन हमको करना ही पड़ेगा, उसमें पूरी हिम्मत होनी चाहिए। जो इन पाखंडों को उड़ा करके ले जाए, उखाड़ करके फेंक दे, ऐसे व्यक्ति दूसरों का क्या सुधारेंगे। जो संत तो चिकित्सक के समान होते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर हितकारी परामर्श ही नहीं देते हैं परंतु दधीची की तरह से अपनी हड्डियां भी उस वज्र को बनाने के लिए दान कर देते हैं। उस कठोरता को आपको पैदा करना होगा। सब मिलकर के जो बात समझाई गई है, ज्यादा विस्तार ना करते हुए, मुझे भी एक जरूरी काम है इसलिए मैं यहीं पर आज के विचार को रोक रहा हूं, परंतु बार बार इस पर अपना चिंतन करना जिससे हम किसी तरह से इन पाखंडों को निरस्त कर सकें। ये हमारे समाज, परिवार और व्यक्ति सबको खोखला और कमजोर कर रहे हैं। आज की बात समाप्त, कल फिर बात करेंगे।